वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है सैटरडे और सैटरडे की ब्रेकफास्ट में बना था उपमा, जहाँ पे मैं मूंगफली को फ्राई कर ली हूँ और ये मस्टर्ड ऑयल में ही मैं उपमा बना रही हूँ और बहुत टेस्टी बनी थी। हाँ, जिसे पसंद नहीं है, हो सकता है कि उन्हें नहीं पसंद आए। तो मूंगफली को फ्राई करने के बाद यहाँ पे मैं 3/4 कप के करीब सूजी और उसे मैं यहाँ पर भून रही हूँ। ये 3 लोगों के लिए बन रहा है क्योंकि हमारे घर में तो 3 लोग ही हैं। और उसी ऑयल में मैं सूजी को बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक अच्छा सा भूनूंगी। तो यहाँ पर सूजी जो है वो भुन चुकी है और इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। और कढ़ाई में मैं मस्टर्ड ऑयल ली हूँ और मस्टर्ड ली हूँ और इसे तड़कने दूंगी। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी करी लिप्स। ये ड्राई करी लिप्स मैं रखी हूँ क्योंकि हमारे जो पौधे थे वो सूख गए थे और वैसे भी मैं ड्राई करी लिप्स रखती हूँ बहुत सारी। और यहाँ पे मैं हरी मिर्च ऐड कर दी हूँ जितना मुझे तीखा खाना। एक अनियन को इस तरह से चॉप करके मैं इसमें ऐड कर दी हूँ और अच्छे ऐसे मैं लाल करके भून लूंगी। यहाँ पे मैं नमक ऐड कर रही हूँ प्याज के अनुसार जितना मुझे चाहिए। प्याज अच्छे से भुन चुकी है तो इसमें जो सूजी भुन करके रखी थी उसे मैं इसमें ऐड कर दूंगी और 1 से 2 मिनट में इसे भूनूंगी। तो सूजी यहाँ पर भुन चुकी है तो इसमें मैं पानी ऐड करूंगी अराउंड 1.5 गिलास की और इसे अच्छे से पहले मैं लो फ्लेम पर मिक्स करूंगी वरना इसमें जो गुठलियाँ हैं ना वो पड़ जाती हैं। और उसके बाद मैं इसमें सूजी के अनुसार भी नमक ऐड कर दूंगी जितना सूजी इसमें है क्योंकि सूजी अभी फूलेगी। और अभी इसमें पानी ऐड करूंगी मैं। उसके बाद मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट से 1.5 मिनट के बीच में ऐसे चलाती रहूंगी। उसके बाद जब इसकी पानी थोड़ी सी सूख जाएगी फिर मैं इसे ढक करके 3 से 4 मिनट तक छोड़ दूंगी। जो भी इसका मॉइस्चर वगैरह है सारा सूख जाएगा, जो पानी है वो सारी सूजी अब्जॉर्ब कर लेगी। उसके बाद फिर इसे हम हाई फ्लेम पर थोड़ी सी और भून लेंगे 1 से 1.5 मिनट तक। फिर जो हमारी उपमा है बन करके रेडी हो जाएगी और ऊपर से जो मूंगफली भुन करके रखी हुई है इसमें मैं ऐड कर दूंगी। अगर आपको मन है तो आप इसमें ऊपर से घी वगैरह ऐड कर सकते हैं, पर इसमें मैं घी ऐड नहीं की थी। तो उपमा बन चुकी है। अब मैं यहाँ पे मैंगो शेक बना रही हूँ। तो एक बिग साइज की मैंगो थी तो उसके मैं चंक्स जो है मिक्सर ग्राइंडर में डालूंगी। उसके बाद मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून जो है चीनी डालूंगी और इसे मैं ग्राइंड कर लूंगी। ग्राइंड करने के बाद मैं इसमें 1 ग्लास दूध ऐड करूंगी और 1/2 ग्लास पानी ऐड करूंगी। उसके बाद फिर से मैं इसे ग्राइंड कर लूंगी जो हमारी 3 ग्लास मैंगो शेक बन करके रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं मैंगो शेक में टूटी फ्रूटी ऐड कर रही हूँ ऊपर से। यहाँ पे उपमा बन करके रेडी है तो इसमें मैं मूंगफली को ऐड करूंगी और प्लेट में हस्बैंड को सर्व करके दूंगी उपमा और मैंगो शेक। तो ये था हमारे आज सुबह का नाश्ता। तो यहाँ दोपहर की 1 बज चुकी है। तो यहाँ पे बर्तन सब धुल चुके हैं, सारे क्लीन हो चुके हैं और अभी मैं खिचड़ी बनाऊंगी और यहाँ पे चने को सोख करके रखी हूँ। शाम को बनाऊंगी मैं चना आलू की सब्जी। यहाँ कुछ कपड़े सूख रहे हैं अभी। और ये जो हमारी अचार है ये बन चुकी है। धूप लग रही थी अभी यहाँ पर। ये जो कुच्चा बनाई है छिलके के साथ में बनाई हूँ और ये वाली छील करके बनाई थी। और ये हमारी आम का अचार दिखाती हूँ अच्छे से। ये देखिए, ये मैं लगता है 6 केजी के राउंड है ये अचार। और ये है बड़ी वाली बन्नी, बहुत बड़ी वाली बन्नी है ये। अभी तेल ये इतनी है ना, अभी ऊपर आ जाएगी धीरे धीरे, देख सकते हैं तेल कितनी है। तो अचार की रेसिपी मैं किसी आगे वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो यहाँ दोपहर में मैं बना रही थी मूंग दाल की खिचड़ी। तो मैं कुकर में ऑयल ले ली हूँ 2 से 2.5 टेबल स्पून के अराउंड मस्टर्ड ऑयल। इसमें मैं साबुत जीरा ऐड करूंगी एंड तेज पत्ते को ऐड करूंगी और जो हरी मिर्च होती है वो 1 ऐड करूंगी। और यहाँ पे मैं 1 अनियन स्लाइस करके रखी थी वो ऐड कर दी हूँ। अनियन को थोड़ा फ्राई करते ही उसमें मैं सोयाबीन को भी ऐड कर दी हूँ और उसे भी भूनूंगी। उसके बाद मैं इसमें नमक भी ऐड कर दूंगी थोड़ी सी ताकि वो भी अच्छे से नमक एब्जॉर्ब कर ले सोयाबीन और प्याज भी और अच्छे से भुने। उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ तो हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर ही इसमें ऐड करूंगी मैं और अच्छे से इसे भूनूंगी 1 से 1.5 मिनट।
हाफ एन आवर पहले ही मैं चावल और दाल को धुल करके रखी थी और पानी उसका निकाल दी थी मैं, ताकि जो खिचड़ी है ना वो खिली खिली और अच्छी बनती है। और इसे मैं इसमें ऐड कर दूंगी चावल और मूंग दाल को, और अच्छा से भूनूंगी 1 से 1.5 मिनट। उसके बाद जो पानी है वो मैं एडजस्ट करूंगी, जैसे कि अगर खिचड़ी के लिए चावल 1.25 ग्लास है और उससे थोड़ी हाफ ग्लास से थोड़ी सी कम दाल ली है आप, तो उसमें आप कम से कम 2.5 ग्लास पानी ऐड कर दें। और उसके बाद इसे 2 विसल्स लगानी, तो इसमें मैं एक आलू, एक बिग साइज़ की आलू थी उसे पील करके और वॉश करके इसमें डाल दी थी, ताकि जो आलू है वो भी पक जाए, जिससे कि जो हमारी चोखा के लिए आलू अलग से उबालनी ना पड़े। चने में सब्जी के लिए सोख करके रखी थी, इसमें थोड़ी सी ऐड कर दूंगी 1 मुट्ठी के अराउंड, और फिर खिचड़ी में जो है पानी एडजस्ट करूंगी और 2 विसल लगाऊंगी, तो आलू भी सिझ जाएगी और जो हमारी खिचड़ी है वो भी बन जाएगी। तो अब मैं चोखा बनाने के लिए प्याज को कट कर रही हूँ, तो एक प्याज जो है वो ली, उसे कट करूंगी। तो यहाँ पे मैं एक हरी मिर्च काट रही हूँ चोखा के लिए, उसके बाद मैं चोखा को छौंक दूंगी, चोखा को भूनूंगी नहीं। तो यहाँ पे मैं पापड़ निकाल रही थी ऊपर से, क्योंकि बेटे को ही पापड़ खाना था और मुझे भी खाना था खिचड़ी के साथ में। ये वाली पापड़ है और ये स्माइली वाली है। तो यहाँ आलू को मैं प्याज और मिर्ची के साथ में अच्छे से कूच दूंगी, मैश कर दूंगी, और जो स्वादानुसार नमक होती है वो इसमें ऐड कर दूंगी। चोखा छोकेंगे और उसके बाद पापड़ छान के खाना खाएंगे, भूख लग गया बहुत जोर का। चोखा, खिचड़ी, फ्राई किए हुए पापड़ और अचार निकाल लेते हैं। तो ये है आंवले का अचार और आम का अचार जो मैं बनाई हूँ, अभी वो पकी नहीं है। तो खाना बनाते बनाते देखिए कितना पसीना आ गया है, अब एसी में बैठ के खाना खाएंगे। देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा पसीना। यहाँ पे फटाफट से हम लोग लंच कर लेते हैं, उसके बाद इवनिंग में आपसे मिलती हूँ मैं। खिचड़ी, चोखा, पापड़, तो यहाँ पे चना उबला हुआ है, और इधर देखेंगे तो यहाँ पे जो आलू है वो फ्राई हो रही है, बॉइल्ड आलू थी। तो इसमें मैं हल्दी और नमक डाली हुई, बस इसे हल्का सा ब्राउन करके और निकाल लूंगी। तो ये भून चुकी है, इसको निकाल लेती हूँ प्लेट में। इसमें डालूंगी ऑयल और ये जाएंगे जीरा, ये है तेज पत्ता, ये है हींग, प्याज को ग्रेट करके रखी हूँ इसमें डाल दूंगी। मैं मसालों के हिसाब से नमक डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालूंगी, क्योंकि जब चना बॉयल की थी तो उसे भी मैं नमक डाली थी। ये है एक हरी मिर्च तोड़ के डाली हूँ मैं,
तो ये दालचीनी और लौंग है तीन, ये है हल्दी, ये है लाल मिर्ची, ये है धनिया पाउडर, थोड़ी सी धनिया और ये है ज़ीरा पाउडर। ये थोड़ी सी काला नमक डालूंगी मैं, और ये है गरम मसाला, ये चना वाला पानी से ऐड करूंगी। पानी डाल के जब आप मसाला भूजते हैं ना, तो बहुत अच्छे से सारी जो मसाले की जो एरोमा होती है वो बहुत ही खुशबू और टेस्ट में आती है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी आमचूर पाउडर डाल रही हूँ, ये आलू की अच्छे से भून चुकी है, तो इसमें मैं कुछ चना जो है रखी हूँ ऐसी फ्राई करने के लिए। अभी इसे थोड़ा सा भूनूंगी, पानी डाल के ग्रेवी कर लूंगी और निकाल लूंगी एक प्लेट में। तो इसमें मैं पानी डाल दी हूँ और ये बॉईल हो जाएगी, या धनिया पत्ती को इसमें ऐड कर दूंगी। फिर मैं हरी धनिया की जो पत्ती है इसमें ऐड करूंगी। डिनर में मैं चना आलू की सब्जी बनाई थी और चावल बनाई थी, और उसके साथ में थी जो चटनी और गुरम्मा, वो खाई थी जो दो दिन पहले बनाई थी, उसकी रेसिपी मैं आगे शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। तो यहाँ पे जो सब्जी है बन करके रेडी हो चुकी है, तो इसे भी मैं एक दूसरे बर्तन में भी खाली कर लूँगी, और यहाँ पे मैं जो चना थोड़ी सी रखी थी मैं उसे भूनूंगी। अभी हस्बैंड आएंगे ना, तो हम लोग स्नैक के तौर पे ये चना खाएंगे। तो थोड़ी सी ऑयल में ऐड की हूँ, और साबुत जीरा जो होती है वो ऐड करूँगी, और हल्दी, लाल मिर्ची, धनिया जीरा पाउडर, नमक और काला नमक थोड़ी सी ऐड करूँगी, और इसे बस मैं हाई फ्लेम पर भून लूँगी। जो भी पानी वगैरह है सब कुछ इसका मैं रिड्यूस कर दूँगी, और बिल्कुल ड्राई ड्राई सी जो चना बनती है ना वो बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो अभी हस्बैंड आएंगे तो हम लोग तीनों यही चना खाएंगे अभी, और खाना जो है उसके बाद हम लोग 10 बजे तक खाना खाते हैं, तो 10 बजे खाना खाएंगे, उसके बाद फिर जो ये वीडियो है मैं अपलोड करूँगी। हम लोगों की ये जो चना फ्राई है बन करके रेडी है, तो यहाँ पे मैं चावल चढ़ा दी हूँ बनने के लिए, 10 से 15 मिनट में बन जाएगी। तो ये मैं बनाई थी चना और आलू की सब्जी, चावल और ये चटनी, ये भी दो दिन पहले मैं बनाई थी, इसकी रेसिपी शेयर करूँगी मैं, और इसकी भी शेयर करूँगी, ये है गुरम्मा, मतलब दोनों ही चटनी की रेसिपी है मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। तो अभी मैं फटाफट से डिनर कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मुझे वीडियो अपलोड करनी है सैटरडे वाली, जो सुबह से मैं बनाई हूँ वीडियो, जो ब्लॉग बनाई हूँ। तो फटाफट से मैं डिनर करूँगी और फिर मैं वीडियो अपलोड करूँगी। दिखाती हूँ कि मैं यहाँ पर अभी एडिटिंग कर रही हूँ, तो बस थोड़ी सी एडिटिंग रह गई है, तो वो मैं जस्ट कंप्लीट करके, वॉइस ओवर वगैरह कंप्लीट हो चुकी है लगभग, और यहाँ से हार्डली होंगी 5-7 मिनट की वीडियो है, और ये जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ये भी मैं अपलोड करूँगी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।